रायपुर आज देश के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं। रायपुर में टूरिज्म सेक्टर बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा है। रायपुर शहर अपने मंदिरों, झीलों और मॉल्स के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए इन्हीं प्लेसेस में से मैं आपको 7 ऐसे प्लेसेस को बताता हूँ जहाँ आपको रायपुर में ज़रूर घूमना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। रायपुर और छत्तीसगढ़ से जुड़े वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1, घाट रानी वाटरफॉल्स। घाट रानी वाटरफॉल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। यह रायपुर के लोगों के लिए एक फेवरेट ट्रेवल डेस्टिनेशन है। यहाँ लोग वीकेंड्स पर पिकनिक मनाने और घाट रानी वाटरफॉल्स की सुंदरता को देखने आते हैं। यहाँ प्राकृतिक स्विमिंग पूल है जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि प्रकृति ने खुद बनाया है। यहाँ बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, तो इस सीज़न में यहाँ जाना अवॉइड करें। बाकी दूर से बारिश के दिनों में इसे देखने का मज़ा ही कुछ और है। नंबर 2, नंदनवन जू एंड सफारी। नंदनकानन जू नया रायपुर में स्थित है। यहाँ दूर दूर से लोग जंगल सफारी का मज़ा लेने आते हैं। यहाँ बहुत ही दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं जो दुनिया में कुछ ही बचे हैं। यहाँ आप बोट राइड का भी मज़ा ले सकते हैं। इस जू द्वारा जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल और अफोर्डेबल होती हैं। तो अगर आप रायपुर में हैं या फिर रायपुर कभी जाएँ तो यहाँ ज़रूर जाएँ। 3rd नंबर पर है MM फन सिटी। MM फन सिटी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटर पार्क है जो कि रायपुर में स्थित है। यहाँ आपको अल्टीमेट फन और एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। यहाँ काफ़ी लोग हर दिन आते हैं और यहाँ आपको वाटर स्लाइड्स, फैमिली पूल, वेव पूल, रेन डांस और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है और किड जोन भी है जहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक से एक चीज़ें हैं। यहाँ आपको एकदम मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलता है। 4th नंबर पर है अंबुजा सिटी सेंटर मॉल। यह मॉल विधानसभा रोड रायपुर में स्थित है। यह मॉल रायपुर सिटी के पॉजिटिव ग्रोथ को दर्शाता है। यहाँ आपको एक नए तरह का रिटेल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यह मॉल 2013 में बना था और यह 13 एकड़ में फैला हुआ है। इस मॉल के चकाचौंध को देखकर आपको फ्यूचर इंडिया की झलक मिलेगी। 5वें नंबर पर है स्वामी विवेकानंद सरोवर। इसे बूढ़ा तालाब भी कहा जाता है। इस सरोवर के चारों ओर पेड़ पौधे हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ शाम के वक्त का नज़ारा अद्भुत होता है, तो यहाँ अगर आप जाएं तो शाम के वक्त ही जाएं। यहाँ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति भी है और सरोवर के पास बैठने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही शांति मिलती है। 6ठे नंबर पर है महंत घासीदास मेमोरियल म्यूज़ियम। यह म्यूज़ियम साइज़ में थोड़ा छोटा है पर यह रायपुर के रिच हिस्ट्री और कल्चर को संभाले हुए हैं। तो अगर आप रायपुर के हिस्ट्री को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ आपको ट्राइबल्स के फूड बहुत ही चीप रेट में खाने को मिलता है। इस म्यूज़ियम में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे रायपुर इतना बड़ा सिटी बना। इस म्यूज़ियम का एंट्री फी सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 7वें नंबर पर है पुरखौती मुक्तांगन। यह गार्डन आपको छत्तीसगढ़ के रिच कल्चर को दर्शाता है। इसका उद्घाटन स्वयं माननीय APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। तब से यह गार्डन टूरिस्ट और लोकल्स की पहली पसंद है, तब से यह उनको आकर्षित करता रहा है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो अपने मोबाइल को एक साइड कर दें और इस पार्क में घूमने का आनंद लें। यहाँ आपको छत्तीसगढ़ का फोक आर्ट, ट्राइबल्स की लाइफ के फिगर्स देखने को मिलता है। तो यहीं थे 7 टूरिस्ट प्लेसेस जो कि रायपुर में स्थित हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां लोग जाते हैं और आपको भी ज़रूर जाना चाहिए रायपुर में। मैंने इस वीडियो में मंदिरों को, मॉल्स को कवर नहीं किया है। तो अगर इस वीडियो पर 1000 व्यूज़ आ जाते हैं तो इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, उसमें मैं बाकी के बचे टूरिस्ट प्लेसेस को बताऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और 1000 व्यूज़, बस 1000 व्यूज़ पहुंचा दीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और रायपुर और छत्तीसगढ़ से जुड़े वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।